एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट यहाँ पे निकल के आया है, ये आपका यहाँ पे IOCL एंड वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप निकाला गया था उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है यहाँ पे, ऑफर लेटर के रिगार्डिंग। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे मैसेज भी आ रहा था। वैसे मैंने टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचना दे दिया था कि वेस्टर्न रीजन का जो मार्केटिंग डिवीजन का है उसका यहाँ पे ऑफर लेटर आना शुरू हो चुका है। अपना ईमेल आईडी वगैरह आप चेक कर लीजिए। लेकिन मैंने सोचा एक आपको डिटेल वीडियो आपको बना दिया जाए, किस तरह से आपको मेडिकल बनवाना है, आप डेबिट फॉर्मेट आपको कहाँ से बनवाना है, ठीक है ना। उसके बाद से अपना ऑफर लेटर को आपको किस तरह से आपको भेजना है, तो सभी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ही जो भी आगे का प्रोसेस आप कीजिएगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि देखिए, जो यहाँ पे IOCL वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकाला गया था 15 फरवरी 2022 तक इसका यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया था। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह था कि इसका यहाँ पर जिस तरह से फॉर्म इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हुआ था, तो उसी बीच में इसका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम भी यहाँ पर कराया जा रहा था। और आपको एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं था, घर बैठे इसका यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा था। इसके लिए एक CBT सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार किया गया था, जिसके लिए लिंक जो है जो भी कैंडिडेट्स का फॉर्म फिल कर रहे थे उनको यहाँ पे ईमेल पर लिंक जा रहा था, उसे आप डाउनलोड करके अपना घर बैठे जो है एग्जाम अपना दे रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया था। उसके बाद से उनका यहाँ पे DV के लिए भी मेल आया, और DV जो हुआ था वो आपका यहाँ पे ऑफलाइन नहीं हुआ था, DV भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन लिया गया था, जूम ऐप के जरिए आपका यहाँ पे DV लिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनको फिर यहाँ पे ऑफर लेटर यहाँ पे आना यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यह कैंडिडेट्स का यहाँ पे ईमेल है, और इनका यहाँ पे 21/1/2022 को यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। उसके बाद इनका DV यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का जो एग्जाम यहाँ पे 28/1/2022 को हुआ था, इनका भी DV के इनका भी यहाँ पे ऑफर लेटर यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया और कौन कौन सा फॉर्मेट आपको लेकर जाना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में बात करेंगे जिनका नहीं है उनको यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो इनका एग्जाम यहाँ पे 21/1/2022 को यहाँ पर लिया गया था उनको यहाँ पे ऑफर लेटर यहाँ पे रिसीव होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। और इसमें बताया गया है कि इसमें आपका जो भी ऑफर लेटर में आपका एंगेजमेंट लेटर में जो आपका यहाँ पर एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको यहाँ पर जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर आपको जाना पड़ेगा। अगर बात करिए कि जो आपका एंगेजमेंट लेटर बोलिए या ऑफर लेटर बोलिए या आपका जो भी ज्वाइन लेटर बोलिए वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करके अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस लिंक पर आपको कैसे अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद जानेंगे आगे का प्रोसेस आपके यहाँ क्या रहने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे IOCL मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन के यहाँ पे ऑफिशियल साइट है। जो भी यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग या ऑफर लेटर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सूचना आ रहा था आपको इसी साइट पर यहाँ पे अपडेट यहाँ पे किया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड CBT सॉफ्टवेयर फॉर टेस्ट के लिए यहाँ पे एक आपको लिंक भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, जिसके जरिए आप अपना ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे थे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको यहाँ पर डाउनलोड एंगेजमेंट लेटर का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको अपना एंगेजमेंट लेटर के लिए इसी का लिंक आपको आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये लिंक आपको ईमेल पर गया होगा। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं याद है तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा, और उसके बाद से आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, और प्रोसीड पर आप क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले आप अपना एंगेजमेंट लेटर जो है डाउनलोड आप कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके, मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस एंगेजमेंट लेटर को डाउनलोड आप कर लीजिए, ठीक है ना। पहला काम तो आपका ये करना है। अब ये देख लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप अप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक बार आप वीडियो को देख लिए उसके बाद आपको कोई यहां पर डाउट्स आपका नहीं रहने वाला। तो आइए देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जब आपका एंगेजमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया इसका मैं डायरेक्ट लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उस एंगेजमेंट लेटर को आप जो है साइबर में या कहीं से आप जो है प्रिंट अप करा लीजिएगा, बिल्कुल साफ प्रिंट होना चाहिए, आपको जो भी टेक्स्ट हो वो आप यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है ना। और उस एंगेजमेंट लेटर पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक उसमें जितना भी पेज होगा, क्योंकि मेरे पास अभी किसी कैंडिडेट्स का यहाँ पर एंगेजमेंट लेटर नहीं है, मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मैसेज किया है, अगर वो भेज देते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप जब डाउनलोड कीजिएगा और प्रिंट करा लीजिएगा जो भी यहाँ उसका पेज होगा, ठीक है ना, पेज आपको क्या करना होगा, प्रत्येक पेज पर अपना जो है साइन करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड उसे कर देना होगा। और आपको साइन करके आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करने के बाद उसे फिर से आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करके जो यहां पे ईमेल आईडी आप देख रहे हैं यहां पे, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है, kpradeep@indianwire.in पर आपको जो है इस ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। सेंड यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे सेंड आपको इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है कि एक आपको यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेंस जो है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ आपने आपका यहाँ पे रिजल्ट हुआ है
और आपका ऑफर लेटर गया है और आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंगेजमेंट, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग का आगे का प्रोसेस है उसके लिए आप जाएंगे, तो एक एक्सपेक्टेंस लेटर आपको यहाँ पे साइन करके आपको यहाँ पे भेजना है। तो वही जो आपका यहाँ पे इंगेजमेंट लेटर होगा उसे आप साइन करके इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, और जो सब्जेक्ट होगा मैं आप स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा कि जो आप ईमेल में जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे भरना होता है उसमें आपको क्या लिखना है। तो उसमें आपको देखिए ये लिखना पड़ेगा, ये जो आपको दिया गया ना ये एक्सपेक्टेंस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अपरेंट, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखिए कि यही आपको लिखना पड़ेगा, और आप सब्जेक्ट में लिख कर मैं आपको स्क्रीनशॉट आप यहाँ लगा दूंगा कि सब्जेक्ट आपको कहाँ होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर नए होते हैं, तो वहाँ पर आपको लिख कर और सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप जो है जो आपका यहाँ पर इंगेजमेंट लेटर होगा उसे साइन करके स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आप जो है इस ईमेल आईडी पर जो है अपना सेंड वहाँ पर आप कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको रिपोर्ट जो करना पड़ेगा इंगेजमेंट लेटर पर आपका यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह आपका मेंशन होगा, और आपको जो भी डेट आपको ईमेल आईडी में बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि एडवाइस रिपोर्ट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग बिफोर 27/2/2022, यानी कि 27/2/2022 को आपको जो भी यहाँ पर लोकेशन बताया गया है उस पर वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, सभी का डेट आपको यहाँ पर सेम नहीं होगा, जिस तरह से जिनका एग्जाम हुआ था सभी का डेट यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, तो अपना जो भी डेट होगा उस डेट पर आपको वहाँ पर पहुँच जाना पड़ेगा, उसका पहले ही बोला गया है, तो उसके पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट है अपने रेडी करके इस पर आप पहुँच जाइएगा। ये तो वहाँ पर दूसरी बात, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो apprenticeindia.org का जो यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल है, अगर आपने इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जो है सबसे पहले इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जाकर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ से आपका जो भी प्रोफाइल है अपना 100% अपना कंप्लीट कर लीजिए, आपका यहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन है, जो भी आपका यहाँ पे मांग रहा है डिटेल्स उसे आप भर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर भारत सरकार के लिए दो पोर्टल आपके लिए बनाया गया है, जो एक apprenticeindia.org और एक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो दो पोर्टल बनाया गया, और जो भी अप्रेंटिस निकल कर आता है वहाँ पर बोला जाता है कि आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, तो आप जाके इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। अपना ईमेल आईडी पर आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, और मैं जो भी इंपोर्टेंट लिंक होगा मैं टेलीग्राम पर भी आपको वहां पर डाल दूंगा। उसके बाद इसमें बोला गया है कि वी शैल हैव टू सबमिट द अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द फैक्ट दैट यू हैव नॉट अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो इसमें यह बताया गया कि एक आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग आपको एक फॉर्म भी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अंडरटेकिंग का फॉर्म का मतलब कि आप कहीं इसके पहले कहीं अप्रेंटिस वगैरह नहीं किए हैं, चूंकि अप्रेंटिस होता है कि बिल्कुल जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं जो कहीं अप्रेंटिस नहीं किए होते हैं उन्हीं के लिए बना होता है, तो वो जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को भी आपको भर के और आपको वहाँ पे लेकर उसे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो इसमें बात बताया गया है, तीसरा इसमें आपको दिया गया है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार से आपको लेकर जाना पड़ेगा, और जो भी अटैचमेंट है ना ये अटैचमेंट आपको मेल में आपको दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जहां से आप इंगेजमेंट लेटर डाउनलोड आप किए थे ना, ये जो आप यहाँ पर साइट देख रहे हैं इस साइट पर आप क्लिक कीजिएगा, तो जहां से इंगेजमेंट लेटर आप डाउनलोड कीजिएगा उसके बगल में भी उसका लिंक दिया गया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके मेल पर भी अटैचमेंट गया होगा, वहां से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केटिंग डिवीजन का ये आप है, और ये जो आपका मेडिकल का फॉर्मेट है इसे आप प्रिंट करा लीजिएगा। मैं अभी दिखा देता हूं कैसा आपका मेडिकल का फॉर्मेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल का फॉर्मेट है मार्केटिंग डिवीजन का, और ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे ईमेल के अटैचमेंट में गया होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, और इसमें आप जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिए आपको इसमें चार पार्ट आपको दिया गया होगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर। जो आपका पार्ट वन है ये आपका प्री इंगेजमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो कि यहाँ पे फिल किया जाएगा बिफोर द मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले, और दूसरा में आपको यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस है या जो भी डॉक्टर आपको यहाँ पे एग्जामिन करेंगे उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है। बाकी यहाँ पे तीसरा में जो भी आपका टेस्ट वगैरह है वो सब चीज़ आपको दिया गया, और चौथा पार्ट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, और भर के जो भी यहाँ पे आपका CMO वगैरह का साइन है सिविल सर्जन का उन्हें आपको यहाँ पे साइन करवा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और जो फोटो है यहाँ पे आप फोटो चिपका लीजिएगा, और यहाँ पे फोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना पड़ेगा, क्योंकि फोटो चिपकाने के बाद आप केवल यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद नाम आपका, रोल नंबर, ट्रेड और डेट ऑफ बर्थ का क्या है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, और इसमें जो भी आपको टेस्ट यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं ये सभी टेस्ट आपको करना पड़ेगा, कोई टेस्ट आप यहाँ पर छोड़िएगा मत, ठीक है ना। जो भी डिटेल्स यहाँ पे आई का हुआ है, जो भी टेस्ट इसमें दिया गया है आपको यहाँ पे सभी टेस्ट यहाँ पर कराना पड़ेगा, शुगर का, स्टूल का, जो भी इसमें टेस्ट आप दे रहे हैं देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें टेस्ट आपको दिया गया है। तो ये फॉर्मेट जो है आप प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी डॉक्टर यहाँ पर एग्जामिन करेंगे यहाँ पर मेडिकल अफसर का साइन हो जाएगा, डेट वगैरह है इसमें आप देख सकते हैं, और सबसे लास्ट में देखिए पार्ट फोर में ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें आपका नाम वगैरह यहाँ पे आपको फिल करना है, और फाइनली जब आप यहाँ फिट हो जाएंगे तो फिट पर आपको यहाँ पर टिक आउट करके और इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो भर के, और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO, यहाँ पे सिविल सर्जन का आपको साइन करवाना है। ध्यान रखिएगा नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट होगा, और जो भी मोहर वगैरह है यहाँ पर आपको लगवा लेना है, और जो भी डॉक्टर यहाँ पर एग्जामिन करेंगे आपका उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और यहाँ पे सील यहाँ पे उनको लगवा लेना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ इस तरह से आपको मेडिकल फॉर्मेट आपको यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है ना। ये प्रिंट आप करा लीजिएगा, यही प्रिंट, और आप वहाँ पर जाइएगा,
प्रिंट करा लीजिएगा और आप जो भी आपका यहाँ पे जिला का आपका गवर्नमेंट अस्पताल होगा वहाँ पर चले जाइएगा, कम खर्चे में आपका मेडिकल आपका हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप बोलिएगा कि मेरा अप्रेंटिसशिप में हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट है और मेडिकल वहाँ पर मांगा जा रहा है, हमें ये टेस्ट यहाँ पर करवाना है, थोड़ा सा समय लग सकता है, आप कोशिश कीजिए, जरूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इतना टेस्ट देकर घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले प्रिंट करा के आराम से जाइए उनका, आराम से आपका मेडिकल हो जाएगा, कोई परेशानी वाली इसमें बात आपका नहीं है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा जो भी फॉर्मेट है यही फॉर्मेट के अनुसार से आपका मेडिकल होना चाहिए और यही फॉर्मेट आप प्रिंट करा के यही आपको फिल करके वहाँ पर ले जाना है, किसी और फॉर्मेट को आपको नहीं ले जाना है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा और आप ये घर से ही करवा लीजिएगा ताकि वहाँ पर जाने के बाद दिक्कत आपका नहीं हो। और जो भी साइन वगैरह ये सब साइन आप ध्यान रखिएगा, साइन और मोहर वगैरह आप अच्छी तरह से वहाँ पर करा लीजिएगा। ये देख लेते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसमें भी आपको यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पे मेडिकल अपना सबमिट नहीं किए थे तो उनको अपने मेडिकल वगैरह आपको बनवा के यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको इसमें बताया गया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको यहाँ पर होना चाहिए। चौथा जो इसमें बात बताया गया है अपडेबिट के बारे में, देखिए अपडेबिट फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये क्या होता है कि नॉन जुडिशियल आपको एक आपको स्टाम्प पेपर होगा, आप देखे होंगे रुपया की तरह यहाँ पे होता है, 100 रुपये का आपको इसमें दिया गया है और ये आपको कहाँ पे बनवाना पड़ेगा, ये आपको अपडेबिट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। इसका भी एक फॉर्मेट आपको दिया गया है, मैं पहले फॉर्मेट को दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपका फॉर्मेट और कैसे आपको अपडेबिट बनवाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फॉर्मेट अपडेबिट है, जहाँ पे आपको यहाँ पे 100 रुपये का नॉन जुडिशियल आपको स्टाम्प पेपर पर ये आपको बनवाना पड़ेगा। ये आपको कैसे बनवाना है, देखिए जो भी आपका जिला का यहाँ पे कोर्ट कचहरी होगा ना वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और जो भी नोटरी आपका होंगे या जो भी आपको वकील होंगे उनसे यहाँ पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ उनसे आप संपर्क करेंगे और सिंपली आपको बोलना है कि जो यहाँ पे फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना इसी फॉर्मेट के अनुसार हमें यहाँ पे अपडेबिट बनवाना है और 100 रुपये के यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह बनवाना है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर कैसा होता है मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा कि आपको किस तरह का स्टाम्प पेपर किसे बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे पता नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा और इसमें आपको ये जो आप देख रहे हैं ना यही आपको वो जो है टाइप कर देंगे, जो आप स्टम्प पेपर होता है ना उस पर वहाँ पे टाइप कर देंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा टाइप करवाते समय आप जो जगह है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे छोड़वाइएगा ताकि आपका नाम जो है अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा जाए। और बाकी चीज़ें आप है आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको यहाँ पे टाइप करवाना पड़ेगा, जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा उस पर आपको ये टाइप करवाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो भी वकील होंगे वो आपको सारा काम ये करके आपको दे देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर लेना पड़ेगा, जो स्टाम्प पेपर पर आपका जो टाइप होगा उसके बाद नीचे आपका साइन होगा और आपका जो भी यहाँ पर रोल नंबर है और आपका नाम होगा ये सब चीज़ आपको भरना पड़ेगा। नीचे आपको डेट दिया गया है और जो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया ना उसे आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, आप हड़बड़ में इसे आप भरिएगा मत ताकि गलत हो जाएगा, ताकि वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं आप पूछ के यहाँ पे भर सकते हैं। तो जो नहीं समझ में आए आप जो है इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसके में कोई परेशानी वाली बात नहीं, वहाँ पर जाने के बाद आप भर लीजिएगा, केवल आप जो है अपडेबिट बनवा के आपको ले जाइएगा, जो समझ में आए उसे भर लीजिए, जो नहीं समझ में आए वहाँ पर छोड़ दीजिए, वहाँ पर जाने के बाद आप भर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था यहाँ पर अपडेबिट फॉर्मेट, मेडिकल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आइए आप देख लेते हैं और आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनवा के ले जाना पड़ेगा। तो पहला काम तो अपना इंगेजमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे आप यहाँ पे प्रिंट करा के और ईमेल आईडी पर अपना एक्सपेक्टेंस जो है अपना सेंड कर दीजिए और जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेंस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इसे आप सब्जेक्ट में लिख कर अपना सेंड कर दीजिए ताकि वहाँ पर ये क्लियर हो जाए कि हाँ मैं अप्रेंटिस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करना हूँ। तो ये यहाँ पर अपना सेंड कर दीजिए और आपका जो भी यहाँ पे लोकेशन का टाइम दिया गया है आप लोकेशन का यहाँ पर डेट और आप ध्यान में रख के उसी डेट को आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा और सभी का डेट अलग अलग होगा तो अपना ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे डीबी हुआ होगा उसके अनुसार से उनको डेट वहाँ पे मिला है। तो आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा मेल में और अपना मेडिकल हुआ अपडेबिट हुआ ये सब चीज़ें आप अपना बनवा लीजिए, बनवा के लेकर जाइए, कोई परेशानी वाली इसमें बात आपका नहीं है। उसके अलावा आपको ये सब डॉक्यूमेंट तो आपको लेकर जाना ही है, उसके अलावा आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे आपको लेकर जाना है। तो आइए देख लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे IOCL ईस्टर्न रीजन का यहाँ पे ऑफर लेटर है और आपका भी ऑफर लेटर कुछ इसी प्रकार से होगा। तो अपना एक बार ऑफर लेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका लिंक दिया गया है और उसमें आप रीड आउट कर लीजिएगा, उसमें भी आपका मेंशन होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ कि इसमें यहाँ पे क्या बताया गया था कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तकरीबन यही डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका कॉल लेटर है वो आपको लेकर जाना है, यानी कि जो भी आपका एंगेजमेंट लेटर है वो अपने साथ अपने रखिएगा और साथ में पासपोर्ट साइज आप फोटोग्राफ आप रख लीजिएगा ताकि वहाँ पे जरूरत पड़े तो आप लगा सकें। उसके अलावा 10th का आप मार्कशीट रख लीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट रख लीजिएगा और अगर 12th किया है तो 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट रख लीजिएगा। ITI है या डिप्लोमा है या 12th है या ग्रेजुएशन है, जो भी आपका यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा उसका पास सर्टिफिकेट और जो भी आपका मार्कशीट होगा ऑल सेमेस्टर का आप मार्कशीट रखिएगा। और सर्टिफिकेट ले जाने में कंजूसी मत कीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट है सभी आप रख लीजिएगा ताकि वहाँ पर जाने के बाद परेशानी नहीं हो, क्योंकि अब आपका यहाँ पर अंतिम स्टेज है, उसके बाद आपका डायरेक्ट अब यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST OBC NCL और PWD से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप
आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, आधार कार्ड अपने साथ रख लीजिएगा। और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप एक आप और अपने साथ एक आईडी रख लीजिएगा, जिसमें पैन कार्ड वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप यहाँ पर अपने साथ आप रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि दो आईडी रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। बाकी आधार कार्ड है तो इनफ है, आधार कार्ड से भी काम आपका यहाँ पर चल सकता है। बाकी प्री इंगेजमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको आपको लेकर जाना ही है। बाकी उसके अलावा जो और भी फॉर्मेट दिया गया था कि एक आपका यहाँ पर एफिडेविट था, उसे भी अपने साथ आपको यहाँ पर रखना है। और हो सके तो आप यहाँ पे बैंक का पासबुक भी अपने साथ जो है रख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे अब आप यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं तो बाकी जो भी स्टाइपेंड वगैरह सैलरी वगैरह अब आएगा तो आपको बैंक पासबुक लगाना होगा ना। और आपको जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है ना, ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है। साथ में इसका एक सेट आप फोटो कॉपी भी अपने साथ आप जरूर रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका डीवी हो चुका है तो वो फिर से एक यहाँ पे फिजिकली वो लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि डीवी आपका ऑनलाइन हुआ था तो इसलिए आपको फिर से ये डीवी के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे बोला गया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। साथ में एक सेट ऑफ फोटो कॉपी भी अपने साथ वहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही था आप इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताना था। और साथ में अपना इंगेजमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और उसे आप एक्सपेक्टेंस जो आपका है उसे आप साइन करके उसे आप दिए गए ईमेल आईडी पर आप भेज दीजिए, मेडिकल वगैरह बनवा लीजिए। कोई अगर डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और जिनका देखिए नहीं आया है ना, तो उनको जिनका ऑफर लेटर अभी नहीं आया है तो उनको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी एक साथ सबका नहीं आया है। और देखिए जिनका यहाँ पे काफ़ी सेकंड रेट का यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा था कि उनका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हुआ है लेकिन डीवी के लिए कोई यहाँ पे मेल नहीं आया या उनको यहाँ पे कॉल नहीं आया। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका एग्जाम यहाँ पे ठीक नहीं गया हो, आपका यहाँ पे कट ऑफ से कम नंबर हो, नंबर आपका क्वालिफाइंग नहीं हो, तो इसलिए हो सकता है कि आपका डीवी के लिए कॉल आपका नहीं आया, डीवी के लिए आपका मेल यहाँ पे नहीं आया हो। तो लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। और जिनका यहाँ पे एग्जाम के बाद डीवी हो गया है तो उनका यहाँ पे ऑफर लेटर आएगा, तो धीरे धीरे सबका आ रहा है। तो एक बार जो भी होगा आप ईमेल आईडी एक बार रेगुलरली आप चेकआउट करते रहिए, ठीक है ना। और आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर मैसेज वगैरह आप चेक करते रहिए, ईमेल आईडी अपना चेक करते रहिए। कोई क्वारी हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट होगा क्योंकि और भी थोड़ा काम रहता है, तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से बीच बीच में आपको अपडेट वहाँ पर देते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके कोई भी क्वारी जो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले भी मैंने IOCL के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और यहाँ पे IOCL ईस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन का भी ऑफर लेटर यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी पहले भी वीडियो आपको बना दिया हूँ, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करें नॉर्दर्न रीजन का, तो नॉर्दर्न रीजन का भी यहाँ पे डीवी के लिए भी मैसेज वहाँ पे आना शुरू हो चुका है। शायद 21 तारीख तक उनका डीवी था। जो भी नॉर्दर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो भी अपना एक बार चेकआउट अपना मैसेज वगैरह मेल वगैरह आप चेकआउट करते रहिए। और जो भी आपका स्थान है उस स्थान पर आप रिपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें मथुरा रिफाइनरी का, तो मथुरा रिफाइनरी का भी यहाँ पर जो है ऑफर लेटर उनका भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा मेल में, यहाँ पर रिफाइनरी डिवीजन का। ये जो अभी वैकेंसी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मार्केटिंग डिवीजन है, और जो मथुरा रिफाइनरी का भी ऑफर लेटर आना शुरू हो चुका है। तो जो भी मथुरा वाले फॉर्म भरे थे मथुरा रिफाइनरी का, वो अपना मेल आईडी अपना चेक कीजिए और दिए गए टाइम पर अपना रिपोर्ट कीजिए। कोई क्वारीज हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम से हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और साथ में जो कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। और साथ में अभी एक और रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है सबरोस में। सबरोस एक आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जिसमें तकरीबन 500 पदों पर अप्रेंटिसशिप की बहाली यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप जो कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है डिप्लोमा वाले, तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपना जा सकते हैं, नोएडा में इसका प्लांट है। तो पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने बना दिया है, तो उस वीडियो को एक बार आप कंप्लीट आप वॉच कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाया है नेट्स के रिगार्डिंग, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम क्या है और अप्रेंटिस करने के बाद किस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ज्वाइनिंग से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक का कंप्लीट प्रोसेस मैंने उस वीडियो में कवर किया है, तकरीबन 9-10 मिनट का वीडियो है। तो उस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, काफ़ी आपको उससे आइडिया मिलेगा। और बाकी चैनल पर विजिट कीजिएगा, काफ़ी सारे पुराने वीडियो है IOCL के रिगार्डिंग, उसको भी आप देखिए, काफ़ी आपको अनुभव मिलेगा। तो यही था आप इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताना था। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।